एक तरफ जहां नागपुर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जहां सड़कों पर भीड़ कम हो गई है, वहीं टेकड़ी गणेश मंदिर में भीड़ बरकरार है। इसकी वजह नागपुर प्रशासन द्वारा की गई विशेष व्यवस्था है। दोपहर के समय नागपुर के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि पे प्रसिद्ध पहाड़ी गणपति मंदिर के प्रशासन ने भक्तों को इन गर्मी की लहरों से राहत देने के लिए मंदिर परिसर में स्प्रिंकलर सुविधाओं की व्यवस्था की है और भक्तों को ठंडक भी मिल रही है। मंदिर क्षेत्र में एक हरे रंग की स्क्रीन लगाई गई है और स्प्रिंकलर से पानी छोटी बूंदों के रूप में निकलता है, तो ठंडे पानी की फुहार भक्तों के शरीर पर पड़ती है और उन्हें ठंड का एहसास भी होता है। यह स्प्रिंकलर मंदिर परिसर को ठंडा भी रखता है। तो आमच्याकडे स्थायी स्वरूपाची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे, ती एसी आहे। मंदिर जे आहे पूर्णपणे एसी केलेलं आहे, हे 12 महिने, केवळ उन्हासाठी नाही। आणि अति जास्त ऊन जे बाहेरून येतात त्या लोकांना थोडासा गारवा थंडावा मिळावा असं बरं वाटावं म्हणून हे स्प्रिंकलर्स लावलेत आम्ही मागच्या वर्षापासून हे सुरू केले। असं काही नाही की मोटर आहे, पाणी आहे, एक ठराविक वेळेत ठराविक वेळेसाठी ते कार्यान्वित राहतात। मग थोडी एक मिनटं अर्धा मिनिट म्हणजे थांबून पुन्हा सुरू होतात। आणि अशा याचे तुषार उडवावे अशी याची व्यवस्था आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।